हेलो बच्चों, क्लास 11 ध्यान से हो तो देखिएगा। जो बच्चे 11 फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो अपना माइंड सेटअप कर लें। सबसे पहली बात तो है, जो आप 10th से 11th में आए हो वैसी फिजिक्स नहीं है। आपको यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म को पढ़ना है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा तब आप कर पाओगे। फिजिक्स के लिए आपका बुद्धि लेवल यानी IQ, आपकी ग्रास्पिंग पावर यानी ग्रहण करने की क्षमता सब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप फिजिक्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। इसलिए आप फिजिक्स के नोट्स बनाते जाओ, लास्ट में जब इंटरनल मार्किंग वगैरह होगी तो सब इसी पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको दूरी दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था, ठीक है? कुल चला गया, पाठ क्या कहलाता है? कुल चला गया पाठ दूरी कहलाता है। और दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। दूरी यानी चला गया कुल पाथ और विस्थापन यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम इसी को आगे लेकर आज आपको चाल और वेग बता रहे हैं। देखिए, चाल इसको हम दो तीन तरीके से होते समझा देते हैं। चाल को हम ऐसा भी बोलते हैं, वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया पथ या कुल रास्ता चाल कहलाता है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कितनी दूरी तय की और कितना समय लगा, इन दोनों के अनुपात को हम चाल बोल देते हैं। तो देखिए, हम क्या बोल देते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती। देखिए, हमारे पास क्या हो गया, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसलिए मैं क्या करता हूं, चाल बराबर कुल दूरी, दूरी बटे समय से भाग दे देता हूं। ठीक, इसको मैं वी से शो कर देता हूं। ये हो गया एस, समय टी हो गया। दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर। समय का मात्रक क्या आ जाता है, सेकेंड। तो ये मेरे पास दूरी बटे समय, अर्थात इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड कहलाता है। ये एक अदिश राशि होती है। इसको आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल, मान लो वस्तु 10 सेकेंड में 200 मीटर चलती है, तो वस्तु की चाल
देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, 200 मीटर, और इसमें लगा हुआ समय 10, दूरी बटे समय ये कैंसिल, यानी कितना जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस दूरी का मतलब क्या हो गया, 200 मीटर और उसमें लगा हुआ समय 10 सेकेंड। इसका मतलब है अगर आप कार चला रहे हैं तो प्रति सेकेंड 20 मीटर की दर से आगे होता बढ़ते जा रहे हैं, तो यह आपके पास क्या कहलाती है, चाल कहलाने लगती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर चाल के डिफरेंट प्रकार होते हैं। देखिए चाल के यहाँ पर विभिन्न प्रकार होते हैं। नंबर एक हो जाती है हमारे पास एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब क्या हो जाता है, वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाती है तो यह एक समान चाल कहलाती है। जैसे आप मान लो बाइक चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, तो ध्यान रखिए अगर आपका कांटा 20 पर है, इसका मतलब है प्रति सेकंड आप 20 मीटर की दूरी चल रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ उसके लिए। मान लो मैंने वस्तु को यहाँ पर टाइम टी लिया और ये चली गई दूरी है, तो देखिए 0 समय में चली गई दूरी 0, 1 सेकंड में चली गई दूरी 2 मीटर मान लिया, 2 सेकंड में चली गई दूरी 4 मीटर मान लिया, 3 सेकंड में चली गई दूरी 6 मान लिया, 4 सेकंड में चली गई दूरी 8 मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, आप कहीं पर भी देखिए हर सेकंड में दो 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 का अंतर आ रहा है आपका। कोई भी दो मैं स्कोर स्कोर लेके चलूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप क्या कर रहे हैं, कोई भी दो अंतराल में देखिए यहाँ पर इसका समय अंतर कितना हो गया, 1 सेकेंड, दूरी कितनी हो गई 2, यहाँ समय अंतर कितना हो गया 1, इसमें दूरी कितनी हो गई 2, तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपके पास बाइक चला रहे हैं और कांटा 2 पर है, इसका मतलब है प्रति सेकेंड आप 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यह चाल क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। तो अगर वस्तु समान समय में 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड के बाद दो 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 सबका अंतर देखिए 2 2 मीटर आ रहा है, समय का अंतर 1 मिनट 1 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब है आप प्रति सेकेंड 2 मीटर की। देखिए दूसरी क्या आ जाती है हमारे पास, दूसरी जो होगी उसको मैं क्या बोल देता हूँ, आ समान चाल। ठीक, इसको हम कई टाइप से डिफाइन करते हैं। यदि वस्तु अपनी दूरी समान समय में अलग अलग तय करती है,
या अलग अलग दूरी समान समय में तय करती है या दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, असमान चाल बोल देते हैं। तो ऐसा कर लेता हूं, वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय यदि अलग अलग दूरी तय की जाती है तो इसे असमान चाल कहते नेचुरली। मान लो आप पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में आप 5 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में आप 10 मीटर चले, तो यह क्या कहलाती है आपके पास, असमान चाल कहलाती है। तीसरी आपके पास होती है औसत चाल। औसत चाल ध्यान रखिएगा, इसको मैं एवरेज स्पीड बोलता हूँ, वी एवरेज से शो कर देता हूँ। वी वी एवरेज जाती है, या इसको मैं ऐसा शो करता हूँ, तो ये एवरेज का साइन है। तो औसत चाल असमान चाल के अंदर निकलती है, और इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल को लेकर चलते हैं, तो यह चाल हमारी क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। इसको आप पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे। चौथी चाल होती है, वह चौथी चाल मेरे पास सात क्षणिक जाल कहलाती है। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, किसी एक विशेष समय में वस्तु द्वारा चली गई चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, और मैंने बोला कि 5वें सेकंड में या 6.1 सेकंड में आपकी चाल कितनी थी, वह चाल क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो ये मेरे पास हो जाता है वस्तु द्वारा किसी विशेष समय अंतराल में तय चली गई दूरी या चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती। देखिए, तात्क्षणिक चाल मेरे पास किसी एक विशेष समय में चली गई चाल कहलाती है, तो इसको हमें शो करना रहता है, तो बहुत छोटा समय अंतराल ले लेता हूँ, और बहुत छोटे समय अंतराल के लिए डेल एस अपॉन डेल टी टाइम ले लेता हूँ। फिजिक्स में क्या है, एक और टर्म आती है मैथमेटिक्स की, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये बहुत छोटा टाइम है, अगर टाइम बहुत छोटा होता जाता है तो इसको अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल ले लेता हूँ। तो ये वाला टाइम टी जो है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको मैं अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल ले लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसा शो कर देता हूँ, डेल एस अपॉन डेल टी।
और इस पूरी चीज को मैं डीएस अपॉन डीटी लिखता हूं। ये इसमें और इसमें ये अंतर होता है कि ये दो दूरी या दो समय अंतराल का अंतर है, और ये अत्यंत सूक्ष्म अंतर है या और सूक्ष्म अंतर की डिफरेंस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में चली गई चाल क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो ये चाल के हमारे पास प्रकार हैं। इसी प्रकार हम वो तो देखिए वेग को लेकर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर वेग लेके चलूँ तो वेग को ध्यान रखिएगा, वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की जाती है, तो इसे वेग कहते हैं। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी निश्चित दिशा में अपनी न्यूनतम स्थिति में, है ना, इसको हम न्यूनतम दूरी भी बोल सकते हैं, न्यूनतम दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम इसको तो डिफाइन कर सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता ध्यान दीजिएगा। वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी निश्चित दिशा जिसको हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं में प्रति एकांक समय में तय की जाती है, तो वह वेग कहलाता है। अब इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब ही आपके पास क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। हम यहां पर वेग को ऐसा भी डिफाइन कर लेते हैं, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन क्या आ जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1, निश्चित समय अंतराल कितना जाएगा t2 - t1। विस्थापन के लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी लगा देता हूँ, है ना, ये पोजीशन वेक्टर कर लिया। और वेग हमारे पास क्या हो गया, विस्थापन से रिलेटेड है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, x2 - x कर लेता हूँ, इसको डेल एस ठीक ऐसा कर दूं अपॉन डेल टी आ गया। तो वेग v बराबर विस्थापन बटे समय डेल एस अपॉन डेल टी आ गया। ठीक, एस विस्थापन, टी समय, विस्थापन का मात्रक क्या है मीटर, समय का मात्रक क्या है सेकेंड। ठीक, इसलिए ये मेरे पास विस्थापन बटे समय, लेकिन दोनों का यूनिट कैसा होगा, सेम होगा। अब ध्यान रखिएगा हमारे पास विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाता है, वेग भी क्या कहलाता है, इसलिए वेग भी क्या कहलाता है, सदिश राशि हो जाती है।
तो वेग भी हमारे पास क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय सदिश राशि हो जाती है, जबकि हमारे पास चाल कैसी हो जाती है, हमेशा अदिश राशि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इन दोनों में एक अंतर निकलता है, ठीक, जो एग्जामिनेशन में आपके पास आता है। ये हो गया चाल, ये हो गया एक और चाल। यहां पर मैं वो वेग कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। नंबर एक, चाल मेरे पास कितने के बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय के इक्वल हो गया, और एक बराबर मेरे पास कैसा हो गया, विस्थापन बटे समय के इक्वल आ गया। दूसरा, चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, चाल सदैव धनात्मक होती है, क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। ये देखिए वेग, अब विस्थापन हमारे पास धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, इसलिए वेग भी धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य होता ठीक। हम चाल को वी से दर्शाते हैं, तीसरा वेग को, क्योंकि यह सदिश राशि है इसलिए वी एरो से दर्शाते ठीक। चाल हमेशा कैसी राशि होती है, ये हमारे पास अदिश राशि है, और वेग हमारे पास सदिश राशि है। नंबर फिफ्थ देखिए, इसका यूनिट इकाई हमारे पास मीटर प्रति सेकंड है, और इसकी भी हमारे पास इकाई कितनी है, इकाई दोनों की एक सी होती है, इकाई मीटर प्रति सेकंड आ जाती है। तो इकाई दोनों की कैसी होती है, एक सी होती है, ध्यान रखिएगा ठीक। करना जरा,